ये एसीपी कैंट के निर्देशन और मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मनवाड़ी परशुराम त्रिपाठी जी की टीम ने मोबाइल छीनने और लूट करने वाले गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके निशादेही पे उनके कब्जे से कुल 18 लूट और छीनी गई मोबाइलें बरामद हुई हैं। विगत दिनों से शिकायत भी मिल रही थी कि मडुवाड़ी आसपास के थाना क्षेत्रों में मोबाइल छीनने की घटनाएं हो रही थी। 17 जुलाई की रात में 9 बजे के आसपास एक वादी की मोबाइल छीन के लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो वादी ने FIR लिखाया। उससे कुछ इनपुट मिला, इंटेलिजेंस हमें कुछ ऐसा मिला जिससे इंस्पेक्टर मडुवाड़ी की टीम ने उस पर काम करना शुरू किया और उस इनपुट के बाद जब काम आगे बढ़ाया गया, ऑपरेशन आगे बढ़ा तो ये काफ़ी अच्छा गुड वर्क हुआ और इनसे मतलब गिरोह का पर्दाफाश हुआ और दो अभियुक्त जयकेश चौहान और श्याम सिंह चौहान गिरफ्तार किए गए। और ये विगत लगभग 5-6 महीने से आसपास के थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं कर रहे थे। जो 17 जुलाई की रात ही मोबाइल लूटी गई है इनसे बरामद हो गई है और जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित किया था वह भी पुलिस के कब्जे में है। शेष मोबाइलों को हम लोग सर्विलांस के माध्यम से, जो हमारे मतलब माध्यम होते हैं, हम उसको चेक करवा रहे हैं कि ये बाकी मोबाइलें कहाँ कहाँ किस लूट से शामिल हैं। तमाम केसेज हमारे इस तरह से जो अनवर्कआउट हैं, हमें इस बात की पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी केस से मोबाइलें कनेक्ट होंगी। चोरी करने की वजह क्या थी? ये चोरी करने की वजह नहीं थी, हमने आपको बता दिया कि चोरी नहीं करते थे ज़्यादातर, या छिनती या लूट करते थे। जैसे कोई आदमी मोबाइल से बात करता जा रहा या झपट्टा मार के मोबाइल छीन के और मतलब स्पीड की मोटरसाइकिल साथ निकल जाते थे। पहले तो भी कोई आपराधिक कोई इतिहास नहीं, इनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जांच करा रहे हैं। बेसिकली ये लोग राजमिस्त्री का भी काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये लेबर का भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनका एक पेशा बन गया था। जैसा आपने देखा 18 मोबाइलें हैं और लगभग सब लूट या छिनती की मोबाइलें हैं जिनसे बरामद की गई।